देश के नेता कैसे हैं? राहुल गांधी जैसा हो। स्वागतम स्वागतम राहुल गांधी स्वागतम 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 राहुल गांधी स्वागतम 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 राहुल गांधी स्वागतम। जो मैंने हेलीपैड पाक रही एक चेयर खाली पड़े दया कर आसतु एटा इज्जत कथा शुणे विचार कर ओडियार सम्मान कथा आम बुद्धि पाए से आम को अन्य राज्य लोक शासन कर समस्ते देश के नेता कैसे हैं? देश के नेता कैसे हैं? राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। आज ए निर्वाचन सभा आमर मुख्य आकर्षण भारत बर्षर नेता कांग्रेस दल नेता युवक मानकर नेता एवं युवा मानसर सम्मान्य राहुल गांधी जी आमर प्रभारी अजय कुमार जी मंच पर उपस्थित समस्त विधानसभा प्रार्थी गण एवं समस्त नेतृमंडली एआईसीसी पदाधिकारी सम्मुखरे उपस्थित सदा सम्मान समस्त भाई भौणी युवक बंधु छात्र कांग्रेस महिला कांग्रेस एवं मीडिया बंधुगण आज मोर बहुत सौभाग्य जे आज अंतिम चरण रे आमर नेता युव नेता भारत भविष्य राहुल गांधी जी आज आम भद्रक लोकसभा निर्वाचन में पदार्पण कर मैतापुर सान मैतापुर आँची से मुझे स्वागत करने सहित मोर कृतज्ञता और अभिनंदन हो आपण मैंने समस्ते आसी तक समर्थित करपण मानक मु बहुत बहुत धन्यवाद दौची बंधुगण। या परे आमर नेता सब किसी कहे निर्वाचन संबंध में मुण मान को कहबी आपण मैंने निर्वाचन रे जो निष्पत्ति नहीं कांग्रेस को जितेपी सात विधानसभा लोकसभा जितेपी आज प्रमाण करेबे से बहुत धन्यवाद से भरसा विश्वास रखी मोर वक्तव्य रखी आपण मान विदाय नौची नमस्कार। जय हिंद जय कांग्रेस जय राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। अजय कुमार जी शरद पटनायक जी मल्लू विक्रमार्का जी मीनाक्षी नटराजन जी प्रसाद हरिचंद्रन जी जयदेव जैना जी आरसी खुंटिया जी हमारे कैंडिडेट अनंत प्रसाद सेठी जी एमएलए कैंडिडेट्स निरंजन पटनायक जी हिमांशु बहेरा जी आसित कुमार पटनायक जी अशोक कुमार दास जी रंजन कुमार बहेरा जी मोहापात्रा जी सुब्रत डाडा जी कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कार्यकर्ता टाइगर भाई और बहनों उड़ीसा के युवा किसान मजदूर छोटे व्यापारी प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए
दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। भैया ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान को एक तरफ खत्म करना चाहता है और दूसरा तरफ बचाना चाहता है। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि कुछ भी हो जाए हम संविधान की रक्षा करेंगे, अंबेडकर जी के संविधान को हम रद्द नहीं होने देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम अंबेडकर जी के संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आपको जो सपने देखने हैं देख लो, मगर इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर सकती है। आ जाओ मैदान में, हम दिखाएंगे हिंदुस्तान के संविधान को कैसे खत्म किया जाता है। आप पूरा दम लगा दो, इस संविधान को आप छू तक नहीं पाओगे। भाई और बहनों, उड़ीसा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी हैं, इनकी यहां पे पार्टनरशिप है, पान वाली पार्टनरशिप है। उड़ीसा में सोच एक ही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं, मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं, डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए, 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा, ये जो तुम्हारा घर है, सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, ओडिशा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी देश बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। मगर भाइयों और बहनों, यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए, उनका घर क्यों नहीं लिया गया, उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई, उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, इंटेरोगेशन नहीं हुआ, घर नहीं छीना गया, सदस्यता नहीं ली गई, क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं, ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है। और बात साफ है, पार्टनरशिप का लक्ष्य उड़ीसा के लोगों का जो धन है, आपकी जो माइंस हैं, आपकी जो संपत्ति है, उसको चोरी करने का है, अरबपति बनाने का है। नरेंद्र मोदी जी अदानी जैसे लोगों को अरबपति बनाते हैं, यहां पे सरकार नवीन बाबू नहीं चलाते हैं, यहां पे सरकार दूसरा पी चलाता है, पांडियन जी चलाते हैं, और वो भी यहां अरबपति बनाने के लिए सरकार चलाते हैं। उड़ीसा में धन की कोई कमी नहीं है, आप देखिए तेलंगाना में पहले पार्टनरशिप थी बीआरएस की और बीजेपी की, वहां के चीफ मिनिस्टर बीजेपी का काम करते थे, दबाव था, डर था, और पूरा का पूरा काम वहां के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के लिए किया। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ी और बीआरएस से लड़ी, और दोनों की हमने रीढ़ की हड्डी तेलंगाना में तोड़ के दिखा दी। आज तेलंगाना में अरबपतियों की सरकार नहीं है, एक व्यक्ति का राज नहीं है, आज तेलंगाना में जनता की सरकार है, करोड़ों रुपए
गरीबों को दिए जाते हैं, महिलाएं फ्री में बस में घूमती हैं, सरकार जनता का काम कर रही है, जनता की आवाज सुन रही है, वही हम उड़ीसा में करने जा रहे हैं। हमें अरबपतियों की सरकार नहीं चाहिए, हमें उड़ीसा की जनता की सरकार चाहिए। और हमारा लक्ष्य ये जो नवीन बाबूजी और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप है, जो जिसको पान कहा जाता है, इसको हम यहां उड़ीसा में तोड़ के फेंकना चाहते हैं। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए काम किया, 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने उनका माफ किया है, कर्जा माफ किया है। अब सवाल उठता है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे? आज मैं आपको यह बताने आया हूं, हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। शायद उड़ीसा के लोगों ने सपने में भी नहीं देखा जो हम करने जा रहे हैं, जिसको हम सच्चाई बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना में हम हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनाएंगे, किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, छोटे व्यापारियों के परिवार, बेरोजगार युवाओं के परिवार की लिस्ट बनेगी। उड़ीसा में करोड़ों लोग इस लिस्ट पे होंगे। भाइयों और बहनों, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, महालक्ष्मी योजना को हम चालू करेंगे, और 4 जुलाई को उड़ीसा में करोड़ों लोग सुबह अपने मोबाइल फोन पे अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे, और बैंक अकाउंट के अंदर 5 जुलाई को खटाक से 8,500 रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में चलता जाएगा, खटाकट अंदर 8,500 रुपए महीने के, साल के 1,00,000 रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हम डाल देंगे। आप सोचिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक झटके से शुरू हो जाएगी। जो छोटे बिजनेसेस, मिडिल साइज बिजनेस, जो जीएसटी से, नोटबंदी से नरेंद्र मोदी ने नुकसान किया, उसको ठीक करने के लिए हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। उसके अदानी से पैसा लेंगे, आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। भाई और बहनों, इससे होगा क्या? अदानी ने, अंबानी ने आपका पैसा लिया, नरेंद्र मोदी जी ने उनको दिया, भैया ये बाद में करना, नरेंद्र मोदी जी ने उनको पैसा दिया, उन्होंने आपके पैसे को अमेरिका में, जापान में, लंदन में खर्च किया, बड़े बड़े बिजनेस खरीदे, मेंशन खरीदे, घर खरीदे। अब हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप इस पैसे को उड़ीसा में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, आप ये चीजें खरीदोगे। और जैसे ही आपने ये चीजें खरीदना शुरू की, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां जो आज बंद पड़ी हैं, एक बार फिर शुरू हो जाएंगी, और उड़ीसा के युवाओं को मेड इन उड़ीसा की फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, हम सिर्फ गरीब महिलाओं को पैसा नहीं देंगे, हम उड़ीसा के किसानों को, मजदूरों को पैसा देंगे। किसानों को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देने जा रहे हैं। इसके माध्यम से उड़ीसा के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को धान के लिए, शुगर केन के लिए, कपास के लिए, अनाज के लिए,
पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम से कम दाम गारंटी करके मिलेगा। भाइयों और बहनों, किसानों के बैंक अकाउंट में हम और पैसा डालने जा रहे हैं, हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और हम एक उद्योग तैयार करेंगे जिसको हम कर्जा माफी उद्योग कहेंगे। इसका काम पता लगाने का होगा कि किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है या नहीं। जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, ये उद्योग हिंदुस्तान की सरकार को ऑर्डर देगा और हिंदुस्तान की सरकार फिर से किसान का कर्जा माफ करेगी। युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना ने आपको भारी चोट पहुंचाई, पहली बार दो तरीके के शहीद बनाए। मैं यहां से आपको कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना को इंडिया गठबंधन की सरकार फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने जा रही है। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए। हर जवान को पेंशन मिलनी चाहिए, हर जवान को कैंटीन मिलनी चाहिए, हर जवान को सही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, हर जवान को शहीद का दर्जा, अगर जरूरत हो हर जवान को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। भाइयों और बहनों, अग्निवीर योजना को रद्द करेंगे और ओडिशा के युवाओं को और हिंदुस्तान के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उनको हम भर के आपके हवाले कर देंगे। भाइयों और बहनों, मजदूरों को आज ओडिशा में मनरेगा के लिए 250 रुपए मिलता है, 4 जून के बाद मजदूरों को 400 रुपए मिलेगा। आशा आंगनवाड़ी महिलाओं की जो आमदनी है उसे हम दुगना करने जा रहे हैं। और भाइयों और बहनों, युवाओं को पहली नौकरी पक्की स्कीम में 1 साल की नौकरी मिलेगी। सारे के सारे ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 1 साल की अप्रेंटिसशिप की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में भाइयों और बहनों महीने का 8,500 रुपए खटाखट अंदर। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे ही हम आपको पैसा देना शुरू करेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शुरू होगी, मेड इन इंडिया, मेड इन उड़ीसा शुरू होगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर आपने ज्यादा कुछ कहा तो जो हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं हम उसको 2 लाख कर देंगे। आप लोग अदानी अंबानी के लोग हो, आप लोग मोदी जी के चमचे हो, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम किसानों की बात सुनेंगे, मजदूरों की बात सुनेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात सुनेंगे, आदिवासियों की बात सुनेंगे, दलितों की, पिछड़ों की बात सुनेंगे। हमारी सरकार 90% लोगों की सरकार होगी। 10 साल नरेंद्र मोदी ने 1% लोगों की सरकार चलाई। जो जितना बोलना है आपको बोलना है बोलो, हम गरीबों का काम करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ये प्रेस वाले, आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे होंगे, देखें वो जिसमें 4-5 चमचे उनके सामने बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? आप सुबह उठ के आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? और नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं, मैं आम नहीं खाता हूं, मैं परमात्मा के मिशन पे हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, परमात्मा मुझसे काम करवाता है, मैं कुछ नहीं करता हूं, ऊपर से ऑर्डर आता है और मैं काम करता हूं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके कैसे परमात्मा हैं जो अदानी की मदद करवाते हैं, अंबानी की मदद करवाते हैं और गरीबों के खिलाफ सरकार चलवाते हैं? अच्छा, उड़ीसा का अपमान किया, उड़ीसा का कैसे अपमान किया बताइए, क्या कहा आप बताइए, जगन्नाथ जी के बारे में क्या कहा? बीजेपी के नेता ने कहा है
और ओडिशा के हर व्यक्ति का अपमान किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं, और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान के लिए काम करता हूं, और उनका चमचा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान इनके लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना है। मिलकर भैया यहां पे हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए, लोकसभा विधानसभा के कैंडिडेट्स को जिताइए। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा कीजिए और जनता की सरकार बनाइए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय उड़ीसा। राहुल गांधी जिंदाबाद। जय हो।